ओम शांति। हमारा हर संकल्प बोल हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर संकल्प और बोल में एनर्जी है। जो हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, वैसी ही एनर्जी हमारे द्वारा रेडिएट हो रही है, और ये एनर्जी हमारे आने वाले समय को वैसा ही क्रिएट कर रही है। इसलिए कहते हैं संकल्पों से सृष्टि बनती है। तो हमें अपनी सृष्टि अर्थात भाग्य को बहुत सुंदर बनाना है। तो ये कैसे होगा? ये तभी होगा जब हम वही सोचेंगे जो कल देखना चाहते हैं, जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, वही आप कल बन जाएंगे। संकल्प शक्ति को जीवन में कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिए, क्योंकि आज तक मानव ने जो भी हासिल किया है, जो भी आज तक आविष्कार हुए हैं, जो भी ऊंचाइयां किसी ने छुई हैं, वो सब संकल्प शक्ति का कमाल है। इस यूनिवर्स का एक सबसे बड़ा लॉ है, लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग। इस ब्रह्मांड के महान लॉ को बहुत ही कम लोग जानते और समझते हैं। इसका मतलब है जो भी हम आज अपने अंदर बीज बो रहे हैं, वो भविष्य में आपके सामने प्रकट होगा ही। इसे इस तरह से समझिए, हमारा मन एक गार्डन है और संकल्प बीज हैं। अब मुझे भविष्य में क्या चाहिए, वही बीज मुझे अभी उसमें बोना है। अर्थात हमारा भविष्य पूरी तरह से प्रेजेंट सोच पर निर्भर करता है। इसलिए भगवान भी कहते हैं, मैं आपके कर्मों में इंटरफेयर नहीं करता हूँ, लेकिन आपको आपकी मंजिल पर बढ़ने की शक्ति जरूर देता हूँ। लेकिन ये मंजिल डिसाइड होगी आपके अभी के संकल्प रूपी बीज से, संकल्प से सृष्टि, क्योंकि संकल्प बीज हैं हमारे बोल का, व्यवहार का, हमारे कर्मों का और हमारे भविष्य का। इसलिए जैसा कल रूपी फल चाहिए, वैसा ही संकल्प रूपी बीज बोते रहिए। मन में संकल्प कीजिए और उसे विजुलाइज भी कीजिए। स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग का सीक्रेट यही है, बार बार संकल्प करने के साथ उसे विजुलाइज भी करो, तो भविष्य में उसे आपके सामने प्रकट होना ही होगा। कितनी जल्दी होगा ये निर्भर करता है आपके संकल्प की दृढ़ता और विश्वास पर, साथ ही उसको विजुलाइज करने की क्लियरिटी पर। ओम शांति।